नमस्कार, प्रभास अखियो न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विकेट लगता है गिरने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जो कारण गिनाए हैं अपने इस्तीफा देने के, यदि उन कारणों पर गौर करें तो सुनीता केजरीवाल के उस दावे पर सवाल उठता है जिसके तहत वो कह रही हैं कि विधायक मेरे पास जब मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री के लिए यही संदेश दे रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएं। हम आपको बता दें कि राजकुमार आनंद ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके बाद लगता है कि दाल में कुछ काला है। वहीं राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि लगता है कि वो ईडी से डर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हर कोई संजय सिंह नहीं होता। हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है और विपक्षी बीजेपी है, दोनों के बीच रस्साकशी जारी है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पानी की बौछारें भी की, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा घायल हो गए। उन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी हालत अभी स्थिर है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए टोकन दे दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर मुलाकात को रद्द कर दिया गया। इसके बारे में तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी और हम इसके लिए पंजाब पुलिस के साथ संपर्क में हैं। एक बैठक की जा रही है ताकि सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध के बीच दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात कराई जाए। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय को आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की जाए। अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने प्रधान न्यायाधीश जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनकी अदालत के समक्ष आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुनवाई के लिए लिया जाए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि आप ईमेल करें, हम गौर करेंगे, लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि ईद है, उसके बाद फिर और भी कुछ छुट्टियां हैं, तो हो सकता है कि छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आए। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अब देश भर में चर्चा शुरू हो गई है कि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदारी अपने आप को बताते थे, कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे और कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने सहयोगियों को भी देते थे, अब सब सवालों के घेरे में है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी चुनावी सभाओं में इस मुद्दे को उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रहीं उसका उन्होंने जिक्र किया अपनी चुनावी सभाओं में। हम आपको बता दें कि अगर दिल्ली की राजनीति को देखें तो एक मंत्री का इस्तीफा अपने आप में एक बड़ी घटना है और बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि अब आगे जाकर क्या चीज़ें और निकल कर आती हैं। फिलहाल आपको आइए दिखाते हैं राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देने के जो कारण बताए हैं, आखिर वो क्या है। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था, उसी के वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी एनजीओज में आया, एमएलए बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा होगी। लोग और मैं यहां आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब
के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है, जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया उसमें। तो मैं SC ST का भी मंत्री हूं, समाज कल्याण मंत्री भी हूं, अगर ये मेरे होते हुए ये सब काम ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरा यहां होना जायज है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि बात यह नहीं है कि मैं ऊंची जाति और नीची जाति की बात कर रहा हूं, हम सब एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहते हैं, हम सब का एक साझा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन की बात, प्रपोर्शन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो इन सब चीजों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि मैं इस पार्टी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आप सब ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर कोई व्यक्ति संजय सिंह नहीं होता जो जेल जाने से ना डरे। देखिए ये बात सबको मालूम है कि नवंबर में उनके यहाँ पे और उनके सहयोगियों के यहाँ छापा पड़ा, 23 घंटे तक ED उनके घर में रही, उनसे पूछताछ करती रही, उसके बाद लगातार ईडी के द्वारा उनको सम्मन देके बुलाया जा रहा था, काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे, अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूँ फोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है, सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, मुझे लगता है कि वो दबाव में ज़्यादा आ गए, वे डर गए, और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार हमारे लोगों पे डाल रही है। ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के सम्मनों पे नहीं जाते थे तो वो यही कहते थे, मेरे को एग्जामिन करना ईडी का मकसद नहीं है, ईडी का मकसद है अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, उनके पीछे से उनके विधायकों को, उनके लोगों को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए और 2 सरकारें दिल्ली और पंजाब की गिराई जाए। आज वो चीज साबित होती दिख रही है, क्योंकि हमारे कई विधायकों को आप देखते हैं गाहे बिगाहे ईडी, इनकम टैक्स या तो छापे मार रही है उनके यहाँ या उनको बुला रही है, हमारे पार्टी के नेताओं को लगातार जो है दबाव डाला जा रहा है, ये सबके सामने है। अब देखिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आज की तारीख में 2:42 पे संजय सिंह जी का ट्वीट उन्होंने किया है अपने ट्विटर हैंडल से, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अब तक के इतिहास में मुझे नहीं मालूम दिल्ली में कभी अनरिजर्व्ड सीट पे रिजर्व्ड कैंडिडेट दिया हो, हमने ईस्ट दिल्ली से दलित समाज के कैंडिडेट को उतारा है, ये जानते हुए कि लोग कहेंगे कि ये क्या किया, मगर हमने उतारा है, हमें लगता है कि नहीं ये पार्टी की एक फिलॉसफी है उसके ऊपर हम चलेंगे। जितनी भी हमारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, बस में फ्री यात्रा है, तीर्थ यात्रा है,
इन सब का लाभ सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलता है तो वंचित समाज को मिलता है, हमारे दलित समाज को मिलता है। पार्टी के हर कार्यालय में, हर मंत्री के दफ्तर में, हर ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाती है। यहां तक कि पाठ्यक्रम के अंदर हमने बाबा साहब अम्बेडकर की से जुड़ी हुई बातों को डाला है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आप देखिए, उनको एक स्क्रिप्ट दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पढ़ रहे हैं वो पर्चा। अब वो जिस पर्चे में जो लिखा है वो बेचारे वही पढ़ेंगे, उनके पास और कोई चारा नहीं, वो तो देखा जाएगा। तो ये तो एक इस पूरी सिचुएशन का एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट है। सिचुएशन और चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस में लग गई है, जिसके बारे में वो रोज कहते थे कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आज ये स्थापित हो गया कि ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब जो है आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए। वही बात करें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पीआईएल मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय की, तो उन्होंने कहा है कि पीछे कोई भगत सिंह की फोटो लगा ले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा ले, तो वो उन जैसा महान नहीं हो जाता, और फोटो लगाने से अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं हो जाते। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं अश्विनी उपाध्याय। केजरीवाल जी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल जी ने अपनी दलील में वो सारी बातें दोहराई जो उन्होंने गिरफ्तारी के पहले मीडिया के सामने कहा था। कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो उनको गिरफ्तार किया गया चुनाव के कारण, कोर्ट ने उसका भी जवाब दिया। कोर्ट में केजरीवाल जी के वकील ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, कोर्ट ने उसका भी जवाब दिया। केजरीवाल जी के वकील जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब को, उनको बहुत डिटेल में सुना और जितने उनके आर्ग्यूमेंट थे सबका जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी की याचिका को खारिज कर दिया। अब केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट आ गए। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि पैसा लिया गया है, हवाला के जरिए लिया गया है, और वो पैसा गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल जी ने एज ए इंडिविजुअल उसमें अपना यूज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष होने के नाते भी अपनी पावर का उपयोग किया है। तो एक तरीके से मुख्यमंत्री होकर भी उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग किया है, पार्टी अध्यक्ष होने के नाते भी अपना प्रभाव का उपयोग किया है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो मुख्य अभियुक्त है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, केजरीवाल जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके पीछे दो लोगों की फोटो होती है, एक भगत सिंह की फोटो होती है, एक डॉक्टर अंबेडकर की फोटो होती थी। भगत सिंह जी गुलामी के नाम के खिलाफ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे, वो प्रत्येक जो गुलामी थी उस सबको खत्म करना चाहते थे। भगत सिंह कहते थे न गुलामी का नाम होना चाहिए भारत में, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न भारत में गुलामी की पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। भगत सिंह जी कहते थे कि भारत को हम आजाद तब मानेंगे जब गुलामी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उन्हीं भगत सिंह जी की फोटो के सामने केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन कभी गुलामी का नाम बदलने की मांग नहीं करते, कभी नहीं कहते कि दिल्ली में जितने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के नाम पर सड़क, मोहल्ले, गलियां, पार्क बने हुए, इनको बदल दिया जाए। और वो चाहते तो मुख्यमंत्री रहते हुए बदल सकते थे। मुख्यमंत्री के पास इतना अधिकार है कि वो दिल्ली के सड़क, मोहल्ले, गलियों का नाम बदल दे। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री, एक उनके मंत्री हैं गोपाल राय, वो तो बाबरपुर से विधायक है, तो आज तक उन्होंने बाबरपुर को भी बदलने का प्रयास नहीं किया। तीन बार मुख्यमंत्री हो गए, भगत सिंह जी की फोटो लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन भगत सिंह जी की बात नहीं मानते, ना गुलामी का नाम हटाने की बात करते हैं, ना गुलामी का निशान हटाने की बात करते हैं, ना गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की मांग करते हैं, ना गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की मांग करते हैं, और तो और छोड़ो, खुद को ईमानदार बताते हैं, लेकिन तीन बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी उन्होंने कठोर कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी नहीं पास किया। दिल्ली विधानसभा के कई बार सत्र बुलाए गए, उल्टे सीधे चीजों पर सत्र बुलाए गए, किसान आंदोलन पर सत्र बुलाया गया, किसान कानून पर दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया, हर उस काम के लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया जो केजरीवाल जी के दायरे में नहीं आता, दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता। लेकिन जो दिल्ली सरकार के अधीन आता है और जिसके लिए आम आदमी पार्टी बनी, जो कहते हैं मैं ईमानदार हूं, आज तक उन्होंने कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दिल्ली विधानसभा में कभी एक सत्र बुलाया नहीं, कभी चर्चा भी नहीं किया। आपको लगता होगा कि ठीक है भाई, दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है तो कानून नहीं बना सकते, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, केजरीवाल जी चाहते तो पंजाब में भगवंत मान को बोलते कि भाई ये काम करो, घूसखोरों को, जमाखोरों को, मिलावटखोरों को, कालाबाजारियों को, नशा तस्करों को, मानव तस्करों के खिलाफ कठोर कानून बनाओ,
इनके 100% प्रॉपर्टी जब्त करो। अगर केजरीवाल के पास दिल्ली में पुलिस नहीं है तो केजरीवाल के पास पंजाब में तो पुलिस है, पत्रकारों को, आखिर पंजाब की पुलिस पत्रकारों को पकड़ने तो दिल्ली तक आ जाती है। तो पंजाब की पुलिस ने आज तक किसी वहां नशा तस्कर खिलाफ तो कार्रवाई नहीं किया, मानव तस्कर खिलाफ तो कार्रवाई नहीं किया। पूरी तरीके से पंजाब में कन्वर्जन हो रहा है वो तो उन्होंने कार्रवाई किया नहीं, पूरी तरीके से पंजाब में मानव तस्करी हो रही है भगवंत मान ने अभी तो कुछ किया नहीं। तो करने को बहुत कुछ कर सकते। दूसरी फोटो लगाते हैं केजरीवाल जी बाबा साहब अम्बेडकर की, पाखंड देखिए, फोटो है बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे समान शिक्षा होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान पुलिस संहिता होनी चाहिए। बाबा साहब तो रिफॉर्मेटिव व्यक्ति थे, वो तो हर चीज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे हमारा प्रत्येक कानून दुनिया का सर्वोत्तम कानून होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की क्या इच्छा थी उस पर दिल्ली विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुई। भगत सिंह जी की क्या इच्छा थी उस पर दिल्ली विधानसभा में कभी चर्चा नहीं हुई। पंजाब में सरकार है, वो चाहते तो भ्रष्टाचार अपराध के खिलाफ कठोर कानून बना सकते थे, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना सकते थे, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बना सकते थे। पंजाब तो पूर्ण राज्य है, वहां तो सारे कानून बना सकते हैं। और दिल्ली में भी चलो कुछ मामलों में कानून तो नहीं बना सकते, लेकिन विधानसभा का सत्र बुला के चर्चा तो कर सकते हैं और एक प्रस्ताव पारित करके गृह मंत्रालय को तो भेज ही सकते हैं। कभी उन्होंने भी नहीं किया। मेरी PIL चल रही थी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए, दिल्ली की सरकार केजरीवाल सरकार उसका विरोध कर रही। पता नहीं इनको किसका भय है। मुझे तो लगता है कि बहुत बेनामी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया पिछले 3 बार की सरकार में, इसलिए केजरीवाल जी की सरकार प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने वाली जो मेरी PIL उसका विरोध कर रही है। मैंने कहा कैशलेस दिल्ली को कैशलेस बनाइए, वो कैशलेस भी नहीं होने दे रहे। इसका मतलब उनको हवाला के जरिए जो फंडिंग हो पसंद है, वो चाहते हैं कि कैश का व्यापार चलता रहे, काला धन चलता रहे। अगर वास्तव में वो ईमानदार हैं तो दिल्ली को कैशलेस बना देते। भाई बिजली का बिल होगा 100% कैशलेस होगा, डिजिटल ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। जितने भी दिल्ली के सरकारी काम है, चाहे बिजली का बिल, चाहे पानी का बिल, चाहे नगर निगम का बिल, जितने भी कारोबार है सबको केजरीवाल जी कैशलेस कर सकते हैं। इतनी शक्ति है उनके पास मुख्यमंत्री के नाते। पंजाब में भी वो चाहते ये कर सकते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, जितना ज्यादा कैश लेन देन होता है उतना काला धन जनरेट होता है, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है। तो कम से कम अगर वास्तव में केजरीवाल ईमानदार है तो दिल्ली और पंजाब को पूरा कैशलेस बना सकते थे, वो तो उन्होंने प्रयास किया नहीं। बस खुले आम आके कभी इनको चोर बताना, कभी उनको चोर बताना, कभी अपने आप को ईमानदार बताना, कुल मिला के तू चोर मैं सिपाही वाला खेल वो खेलते रहते हैं। केजरीवाल जी इतने दिन से केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहे मीडिया के सामने आके, कुल मिला के वो अपने आप को दूसरों को चोर बताते रहे, खुद को ईमानदार बताते रहे। अब जब वो पकड़े गए हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, अभी भी कुछ एक आम आदमी पार्टी के समर्थक उनको ईमानदार बता रहे। केजरीवाल जी वास्तव में अगर ईमानदार है ना तो उनको मीडिया के सामने अपना नार्को टेस्ट कराना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहिए, ब्रेन मैपिंग कराना चाहिए। वास्तव में अगर ईमानदार हैं तो उनको कोर्ट में एप्लीकेशन देना चाहिए कि एक काम करो भैया, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये जितनी बात है ये सब झूठ है। हालांकि वो नहीं हो सकता है, ऑलरेडी उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज होगी। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि उनको विश्वास जीतना है जनता का, तो जनता का विश्वास जीतने का एक ही तरीका है, अपना नार्को टेस्ट कराइए, लाइव होने दीजिए, लाइव जैसे लाइव प्रसारण होता रहेगा। आप अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, लाइव उसका प्रसारण होने दीजिए। आप ब्रेन मैपिंग कराइए, लाइव प्रसारण होने दीजिए, जनता को पता चल जाएगा। तो अपना नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में नहीं कराते, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे उसको भी नहीं मानते, जो भगत सिंह जी कहते थे उसको भी नहीं मानते अब। लेकिन वो कहते नहीं है, हम जो बोले वो सही बाकी सब बेकार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत, हाई कोर्ट भी गलत, इलेक्शन कमीशन भी गलत, सारे संस्थान गलत, केवल केजरीवाल जो कहें वही सही। ये तो पाखंड चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले टाइम में जो उनका पाखंड है इससे आम जनता समझ जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली में कुछ लोग उनको वोट करते हैं फ्री बिजली के लिए, फ्री पानी के लिए, और वो आगे भी वोट करेंगे। कुछ लोग मुफ्त में राशन के लिए वोट करते हैं, वो करेंगे। लेकिन आम जनता को समझने की जरूरत है कि इस तरीके का जो झूठ का पाखंड है, जो सफेद पोश झूठ, सफेद झूठ बोली जा रही है, ये ठीक नहीं है, न दिल्ली के हित में है न देश के हित में है। और सजा उनको कितनी मिलेगी ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अब इस मामले में उनको कठोर दंड मिलेगा। और एक बात और, अभी तो जांच केवल काले धन की हो रही है, मेरा व्यक्तिगत मानना है अब जांच खालिस्तान से नेक्सस का भी होना चाहिए। आखिर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तानियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आज तक कभी केजरीवाल ने खुलेआम क्यों नहीं कहा कि वो खालिस्तान के खिलाफ है?
इस बात की भी एनआईए से जांच होनी चाहिए कि खालिस्तान और केजरीवाल के बीच में क्या नेक्सस है। जब खालिस्तान के नेताओं ने बोला कि हमने फंडिंग दिया है, उसके बावजूद केजरीवाल ने नहीं कहा कि हाँ हमने फंडिंग नहीं लिया है, तो इसकी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन ये खालिस्तान और आम आदमी पार्टी के नेक्सस की एनआईए से जांच होगी, सीबीआई से जांच होगी, इसमें बहुत बड़े खुलासे होंगे। मैं 2014 में मैं कहता था अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार थे, कोई मानता नहीं था, मैंने पार्टी छोड़ दिया। कुमार विश्वास ने कुछ आवाज़ उठाया, वो भी पार्टी से बाहर। जिन जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ उठाई वो सारे बाहर। सबको लगता था नहीं केजरीवाल ईमानदार है, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हमने 2014 में कहा था इनका अलगाववादियों के साथ इनका नेक्सस है, गलत फंडिंग लेते हैं, कालेधन की फंडिंग लेते हैं। 10 साल के बाद 2024 में कोर्ट ने भी माना जो बात मैंने 2014 में कहा था कि ब्लैक मनी से फंडिंग होती है, हवाला से फंडिंग होती है, 2024 में उसको कोर्ट ने माना। हमें तो इतनी खुशी है, लेकिन आप लोगों से आप निवेदन करता हूं, इस बात को समझिए, पाखंड को समझिए, पाखंडियों को पहचानिए और इनको एक्सपोज करिए। भारत को हमें बचाना है तो पाखंडी नेताओं को हर हालत में एक्सपोज करना ही होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।